हेलो फ्रेंड्स, ये है मारुति सुजुकी इको। इसमें कस्टमर का कहना है एसी का प्रॉब्लम है, जो फ्लो जो आ रहा आना चाहिए वो उतना फ्लो नहीं आ रहा है और ब्लोअर भी थोड़ा सा साउंड कर रहा है। तो इसमें देखते कूलिंग कॉइल चॉकअप होने का चांस ज़्यादा है, तो इसके लिए डैशबोर्ड नहीं खोलना पड़ता, यहाँ से ग्लोव बॉक्स निकाल लेते हैं। उसके पीछे से ये इसके तीन चार बोल्ट आते हैं, वो निकाल लेने से वो बाहर आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा उस तरफ करो, निकल जाए। ओके, वो निकल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कूलिंग कॉइल चॉकअप है या नहीं। एक मिनट, फ्लैशलाइट ऑन करना पड़ेगा, तो करता हूँ फ्लैशलाइट ऑन, एक मिनट। ओके, अब देखते हैं। चलो, ओहो, पूरा चॉकअप है ये। इसमें पैसे और कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो करते हैं इसको क्लीन, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब हम वॉशर से क्लीन कर रहे हैं, प्रेशर से। तो इसमें ECM का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ECM वहाँ आता है तो उसको ढक देना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर पानी आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा क्लीन हो गया है और ये अब फिर लगा देंगे। और ECM यहाँ आता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसका। ओके, थैंक यू।